सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को लेकर, यानी कि इरेडा। आप लोग देखो कि भाई इरेडा में हमें पिछले दो दिन से लगातार अपर सर्किट पर अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। और इस शेयर के अंदर जब ये स्टॉक टूट रहा था ना, अभी उस कंडीशन में मैंने आपको एक बात बोली, 120 के आसपास आ गया था स्टॉक। वहाँ पर आपको SIP के अलावा मैंने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है भाई। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक अच्छी खासी 40% प्लस स्टॉक करेक्शन में मिल रहा है। SIP करने का टाइम है, एकदम से पैसा डालना नहीं है। SIP धीरे 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 भी हर गिरावट में खरीदारी करते रहो। 40% टूट गए, इससे ज़्यादा टूटेगा कहाँ तक गिरेगा, ठीक है। 100 रुपये के आसपास का लास्ट एंड फाइनल सपोर्ट, स्ट्रांगली सपोर्ट था 108 का, ठीक है। उससे पहले 120 का भी सपोर्ट था। तो यहाँ से स्टॉक में कितनी शानदार रिकवरी बनते हुए नजर आई है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी अपर सर्किट, उससे पहले भी आप लोग देखोगे स्टॉक में अपर सर्किट लगा था एक दिन पहले। एक अच्छी खासी करेक्शन के बाद जो शेयर है वो आप लोग देखोगे तकरीबन 10% उछल चुका है दो दिन के अंदर अंदर। तो अब यहाँ से आप लोग देखोगे इसके आगे के कैसे मूव रहने वाले हैं। एक खबर आई थी जिसके कारण आप लोग देखोगे स्टॉक में बिल्कुल पॉजिटिव मोमेंटम बन चुके हैं। 52 वीक हाई जो इसका था वो 214 रुपये के आसपास का था, 215 के आसपास का। और वहां से जो स्टॉक है वो आप लोग देखोगे भी कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, कंटिन्यूसली, ठीक है। और इतना बड़ा करेक्शन स्टॉक में आपके सामने अभी देखने को मिल रहा है। तो आप लोग देखोगे अभी के टाइम तो आपको ये 33% के आसपास करेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो करेक्शन है वो अपने हाई से और अपने लो से आप लोग देखोगे अभी जो इसने पीछे लगाया था ना अभी, वहां से काफी बड़ा फॉल है। तो यहां से आप आगे के कैसे मूव रहेंगे, इसके अलावा जो इसी सेक्टर से बिलोंग करती है, NBFC सेक्टर है या फाइनेंस सेक्टर है, जो खास तौर पर पावर सेक्टर को जो है फाइनेंस कर रही है कंपनियां, REC लिमिटेड में भी काफ़ी शानदार गिरावट थी, वहां से भी रिकवरी बन रही है। PFC में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी बन रही है। तो इस शेयरों को लेकर मैंने आपको बोला था कि करेक्शन में जब गिरावट हो तो वो खरीदारी होती है भाई, और गिरावट में खरीदोगे नहीं तो कहां पर खरीदोगे। तो जो इरेडा है इसको लेकर बहुत से ऐसे भाई हैं, अभी पीछे कुछ एक चीज़ें नेगेटिव थी मैं भी मानता हूँ, ठीक है। कुछ एक जो अपडेट्स है जैसे कि NSE ने इसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया, इसको जो अभी जहां पर ऐड करने के बारे में बातचीत चल रही थी कुछ एक इंडेक्स में, वहां से अब मना कर दिया, वो जो भी था उसे रद्द कर दिया। अभी इनमें शामिल नहीं होगा क्योंकि इन्होंने कुछ एक सेबी के नॉर्म्स से जिनका उल्लंघन किया है, तो वो सारी चीजें थोड़ा सा असर डाला नेगेटिव। लेकिन अभी टाइम जो एक खबर आई थी जो आप लोग देखोगे 28 मार्च को एक बड़ा धमाका होगा ना भाई, उस खबर के चलते स्टॉक में फिर से रिकवरी के माहौल बन गए हैं। तो चलिए देखते भी उस खबर से और स्टॉक कितना ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वो ये न्यूज़ है जो कंपनी ने 21 तारीख को मेंशन किया था, और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना दिया था भाई। यहाँ पर देख सकते हो 28 तारीख को कंपनी की जो ना भी एक मीटिंग है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी जो कंपनी है विल बी हेल्ड ऑन थर्सडे मार्च 28, ठीक है। तो इसकी जो ना एक बोर्ड मीटिंग रखी गई है अभी, ठीक है, एक बोर्ड मीटिंग है इसकी, बोर्ड मीटिंग को लेकर इन्फॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पर कंपनी जो ना अभी 2024-25 साल के लिए जो ना अभी फंड रेजिंग या फिर बोरोइंग्स के रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो बना रही है जी हाँ। और कितना फंड रेज करेगी, 24,200 करोड़ का। तो 28 तारीख ये आप लोग देखोगे भी बॉन्ड्स के माध्यम से, टर्म लोन होगा, कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा, देखो भी किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। कंपनी लाना चाहती है भी 24,200 करोड़ रुपए, चाहे वो किसी भी मेथड से लेकर आए, इनको फंड चाहिए। और इस खबर के बाद जो स्टॉक है वो फिर से एक अच्छे खासे मोमेंटम में हमें आते हुए नजर आया है। तो 28 मार्च याद रखना, सबसे पहले अपडेट आपको चैनल पर हमारे ही मिलेगी। और इसके बाद आप लोग देखोगे रिजल्ट्स भी अभी आने बाकी है, तो गिरावट में खरीदारी होती है न कि तेजी में। अब आएंगे 10% भागने के बाद बहुत सारे आएंगे, अब ले ले, अब ले ले, अब ले ले भाई। जब मौके होते आप लोग खरीदारी करते नहीं हो, और जब पैसा लगाते हो तो एकदम सारा पैसा डाल देते हो, तो बस यही आपकी गलती है सबसे बड़ी। हमेशा ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट में थोड़े से जो ना भी गड़बड़ाहट होती हुई मार्केट टिक नहीं रहे, तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ SIP करो और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको पता, देखो बॉटम नहीं बना रहा स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 138 है अभी के टाइम, ठीक है, यहाँ पर बॉटम नहीं बना रहे, उसके नीचे में आप लोग देखो और फिसल जाएगा, वहाँ पर बॉटम नहीं बन रहे, 120 के आसपास बॉटम नहीं बन रहे, उसके नीचे जा रहा है वहाँ पर भी बॉटम नहीं बन रहे, तो SIP करो भाई। एकदम से पैसा डालना क्या जरूरी है क्या, आपके हाथ में है।
आप चाहो चाहे 4 शेयर खरीदो, चाहे 20 शेयर खरीदो, चाहे 400 शेयर खरीदो, वो तो आपके हाथ में है। तो आप लोग SIP करते रहो, 5-5 10-10 शेयर नीचे के भाव में खरीद अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए भाई। अगर आपको 100 शेयर लेने हैं तो उसे 5-6 टुकड़ों में खरीदो, ठीक है। आपको 200 शेयर लेने, उसे 5-6 टुकड़ों में खरीदो। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, ना आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर है आपको एकदम से डालने पड़ेंगे सारे पैसे, तो ऐसा बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करो भी स्ट्रेटेजी करके, ठीक है। ऐसे अंधेधुन में मार्केट में पैसा लगाने से पैसा नहीं बनता है। मार्केट में जो पैसा बनाएगा सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग के साथ चलेगा ना भाई, वही। तो चलिए अब देख लेते इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, ठीक है। और एक अच्छा खासा जो सपोर्ट है 123 के आसपास का मैंने आपको बताया था, वहाँ से जो स्टॉक है वो रिवर्सल लेते हुए नजर आया है। और रिवर्सल ही नहीं लिया भाई, यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी कटी है, लेकिन टिकेगा कितना वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है भाई। मार्केट के अंदर कैसा है माहौल आपको पता है, खुद को भी पता है। तो इस सिचुएशन में ब्रेकआउट स्टॉक में जरूर आया है, लेकिन ब्रेकआउट के ऊपर टिकना ये थोड़ा सा अभी भी संदेहपूर्ण बना हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी जिस भी भाई ने मेरी वीडियो देखी है पीछे, और मैंने आपको बोला था कि 123 रुपये के आसपास का सपोर्ट, और वहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक में फिर से रिकवरी बनी है, और जो रिकवरी आई है ना अभी वो डबल बॉटम के साथ, ठीक है। तो ये एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है, डबल बॉटम का। और यहाँ से जो स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद पहला जो टारगेट था हमारा 141 का आएगा, सेकेंड टारगेट 154 का, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये इसके लेवल हैं। इसके अलावा और कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो भी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक रिगार्डिंग कोई भी खबर आए वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।